A very warm good evening, batch of 2023. Good evening, this is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, welcome to today's class on the general characteristics of plant kingdom. So, good evening! How are you doing, everybody? Good evening and welcome to the class. Brand new lecture 2023. चैप्टर नंबर 3 1 एंड 2 का अभी टेस्ट होके हटा है. आपको मैंने पूरा बताया है हाउ कैन यू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 3 फॉर माय लवली बायोटोनिक मैस्कॉट्स ऑफ 2023 बैच. चलिए, डिड यू सी दैट लेक्चर बाय द वे? डिड योर कॉन्फिडेंस गो हाई अप आफ्टर सीइंग द लेक्चर मैस्कॉट्स 2023? Good evening. Let them grind while let them sleep. You grind, let them party while you work, and the difference will show. Eventually, you will become successful. Eventually, you will get ahead. You will become doctors. You will realize your purpose, passion. You will find a career that you absolutely love. So, good evening. Yes, everybody. Chaliye aage. Can we do that? And I, by the way, koi bhi problem. Oh, God. Okay, कोई भी प्रॉब्लम आए, एनी टाइम, एनी थिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, एनी टाइम, एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव, मेक श्योर दैट यू जस्ट गेट इन टच विद अस एंड वी आर ऑलवेज एंड एवरी टाइम देयर टू टेक केयर ऑफ यू. यस, परफेक्टो, जिलेटो, चले आगे. गाइस, हेल्प इन योर लर्न इनिशिएटिव, इट्स एन इनिशिएटिव वेयर वी मेक श्योर दैट वी हेल्प एवरी चाइल्ड हुज बीन लेफ्ट बिहाइंड, एवरी चाइल्ड हुज लॉस्ट देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ कोविड. वी आर देयर विद दैट चाइल्ड एंड वी विल मेक श्योर दैट लर्निंग नेवर स्टॉप्स. कल मैं आपको बॉटनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल सिलेबस नीट 2021 करवाने वाली हूं टुमारो. राइटो एवरीबॉडी, परफेक्ट. बेसिक से पढ़ाया जाएगा बेटा, बिल्कुल 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 बेसिक से पढ़ाया जाएगा. यस एवरीबॉडी, व्हाट से चले, क्या कहते हो? ओके, यस एवरीवन, चलो लेट्स मूव अहेड एंड आगे बढ़ते हैं. व्हाट से बिल्कुल एकदम बेसिक से आप अपने नोट्स वाली कॉपी रेडी रखो. सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सिर्फ 1% बच्चों को ये प्रॉब्लम है. कुछ एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं एंड दैट इज समथिंग आई वुड बी टेलिंग यू इन टुमॉरोस क्लास. ओनली 1% नो दिस. एंड आज शाम को इकोल सिस्टम के फुल इकोलॉजी यूनिट के मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ एनटीए के ऐप से. लाइव मॉक टेस्ट है कल 7 बजे. Yes, everybody, and must watch before you start preparing for NEET 2022. Trick to cover backlogs ke saath NEET 2022. Ye bahut amazing class aapke liye karane wali, because aapke baad to pata 2023 aapka session maine le liya. वो वाला कंप्लीट. तो 2022 में तो मेरी जान ले ली कि मैम आपने 2023 के लिए कैसे किया, हमारे लिए कैसे नहीं किया. आई एम लाइक ओके, आप लोगों के लिए भी कर देंगे. गाइज, इसी बात पे हो जाए प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब. मेक श्योर यू लाइक यू शेयर यू सब्सक्राइब. एंड गाइज, एक चीज आप हमेशा याद रखना, मैं यहां पर रहूं ना रहूं, मैं बायोटॉनिक में रहूं ना रहूं, आप अगर स्टूडेंट्स, आप एक चीज हमेशा याद रखना, वेदांतु विल नेवर ट्राई टू फूल यू, वेदांतु विल नेवर ट्राई टू यू नो एक्ट स्मार्ट विद यू. वेदांतु आपके लिए लेकर आए दी वन एंड ओनली सिस्टम एवर ऑन इन इंडिया फॉर एजुकेशन जो लेकर आए, वी प्रॉमिस एकेडमिक प्रोग्रेस, अदरवाइज पैसा वापस. हु सेज दैट यार? आप कहीं से ना कुछ भी ले आओ, आप पैसा नहीं वापस करता कोई. Nobody does that. Vedantu's got the Vedantu improvement promise, right? आपको पता है हजारों माइक्रो कोर्सेस फ्री है. Do you know this? Live free micro courses, so many of them. Can you see? Yes, just see what it is. Free micro courses. मतलब आप सोचो यार, अगर आपने एक बार एक महीना ले लिया ना, तो आपको उसके साथ हजारों माइक्रो कोर्स फ्री मिलेंगे. Guys, I'm just reading your comment side में. मतलब just imagine. Then, उसके बाद आपको वेदिक मैथ्स, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव इंग्लिश. मेरे को हफ्ते बच्चे थे मैम पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैम इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मैम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? वेदांतु ने ये सारी चीजें माइक्रो कोर्सेज में फ्री कर दी है.
ये आपके सारे पढ़ाई वाले माइक्रो कोर्सेज हैं पीसीबी के, एक एक दिन में 50-50 कोर्स चलते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक रात को कोर्सेज चलते हैं. कैन यू इमेजिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ. वेदांतोस गॉट आचार्य मित्र परोक्ष हो जाए एंड दे आर देयर टू टेक योर काउंसलिंग्स टू वर्क. ऑल ऑफ दिस इज फ्री. योर होलिस्टिक, योर वेलनेस, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर सोशल हेल्थ, योर इंटेलेक्चुअल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, एंड दीज आर द प्राइसेस. कहीं 2-2 लाख के कोर्स मिल रहे. वेदांतो कह रहे हैं यार इतना, और ये भी पैसा वापस कर देगा. Just imagine, right? This is the NEET Pro subscription. Next batch 6 September ko shuru ho raha. That is going to be the last Pro subscription batch. If you are in class 11th and you really truly want to study, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी. Towards the end बताऊँगी Pro subscription के बारे में. पर अगर आप class 11th में हो और आप पढ़ना चाहते हो, 16 अगस्त को मैं शुरू कर दिया है मैंने already Pro membership. और ये आपकी date है नए courses का. But towards the end I will tell you all of these things are also free with it. Right, along with obviously the पढ़ाई, पर मैं बताऊंगी towards the end of the session. अब आप पढ़ाई कर लो. I will tell you about it. Done. Plant Kingdom, lecture number 3. अगर आपने lecture number 1 और 2 नहीं देखा, don't worry, मैं उसको दोबारा revise करवा दूंगी. Is that clear? अगर आपने अभी भी lecture number 1 और 2 नहीं देखा, आप टेंशन मत लो, मैं उसको रिवाइज करवा दूंगी. आई विल रिवाइज इट विद यू. आप आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, डोंट यू वरी. डन. गुड इवनिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड. एटलीस्ट आपने ये वाला लेक्चर तो देखा था. जस्ट वन डे अगो इट वाज स्ट्रीम, 28,000 व्यूज में चला. अभी तक नहीं देखा तो देखो, मैंने बताया है कि कैसे मैं आपको अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करा दूंगी, नवंबर दिसंबर में आपका रिविजन करवाऊंगी. आप टेंशन मत लो. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, स्टार्ट टूडे. आप एक छोटी कॉपी बना लो, राइट अ स्मॉल कॉपी, और अपने नोट्स बनाना शुरू करो. क्लास के बाद यू विल गेट माय पीडीएफ, एनसीईआरटी भी मार्क करवा दोगे. आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो एंड जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ स्लाइड्स. आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा. आप पूरा इंटरनेट कहीं भी देख लेना, आपको इससे बेटर कंटेंट नहीं मिलेगा. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट क्लास, नो टॉकिंग, प्लांट किंगडम. प्लांट्स हैव टू बी ऑटोट्रोफिक. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रोफिक? अभी तक नहीं पता, अभी जान लीजिए. एनीथिंग विच हैज द एबिलिटी टू मेक इट्स ओन फूड, द वन विच कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रोफिक. जो अपना खाना बनाता है ऑटोट्रोफिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है हेटेरोट्रोफिक. इज दैट क्लियर जागृति? ये मल्टी सेलुलर होते हैं. प्लांटी, प्लांट किंगडम मल्टी सेलुलर होती है. दैट मीन्स इट इज नॉट यूनिसेलुलर, राइट? दीपक, श्रुति, सैयदा, कृष्णा वेनी, दीपांशु, दीज आर मल्टी सेलुलर. दे हैव अ सेल विद अ न्यूक्लियस. दैट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोट्स विद सेल वॉल. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. The cell wall is made up of cellulose and pectin. Is that clear, everybody? Amrut, Muskan, Shuchi, Sushmita, Rocker. Yes, and all the plant cells have a large central vacuole. The covering of the vacuole, write it down in your class, the covering of the vacuole is called as tonoplast. What is the membrane of the vacuole called? Tonoplast. And the material which is inside the vacuole is referred to as cell sap. The material which is inside the vacuole is referred to as cell sap. Is that clear? Is that clear, everybody? I think this is phenomenal. I am so happy. अरे दिस इज सो अमेजिंग. एंड गाइस, अगर आप चंडीगढ़ में हो, यू आर इन एंड अराउंड चंडीगढ़, मोहाली, चंडीगढ़, आई थिंक वी शुड मीट. आई स्पेशली वांट टू मीट माय क्लास 11 मैस्कॉट्स बिकॉज आई फील यू रियली नीड दैट मोटिवेशन. अगर आप हो, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कितने बच्चे हैं, एंड आई वुड लव टू मीट एंड इंटरैक्ट विद यू. लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. पढ़ाई करवानी है यार आपका, मैंने 1-1.5 साल में रैंक करवाना है. Done. We have to study. We have to study. Aaj se no looking back. 2023. Plants are autotrophs. They are non-motile. One more time with me. Pata hai kaun kaun se words aapke honne chahiye? Kingdom planty. First line. Autotrophic. They are non-motile. Multicellular. Eukaryotic. Cell wall kya likhi? Cellulose and pectin. Large central vacuole. Covering of the vacuole. Tonoplast. Material inside the vacuole sac. Well done. On your screens, please.
Well done on your screens, please. Well done on your screens. Write this down, every single one. Perfect. Perfect. Yes, these contain photosynthetic pigments. What are they called? Chlorophyll in the plastids. What are they called? Yes. Well done, well done, well done. I'm so proud of you. Done? Make a U on the chat section. So I'm repeating everything, and especially I'm underlining those things with black which you need to know. Plant kingdom ki characteristic. First question aata hai autotrophic. Second question aata hai non-motile. Third question aata hai multicellular. Fourth question aata hai eukaryote. Cell wall mein question aayega cellulose pectin. Large vacuole mein question aayega. Teesri baar ek hi class mein repeat kara lu. Right? Large vacuole mein question aayega tonoplast and the cell sap. These contain photosynthetic pigments. What are the pigments called? Chlorophyll in the plastids. Well done. Pin drop silence in my class. Right? Chlorophyll. So what are the specialized organelles called? Jinmein chlorophyll hota hai. They are referred to as the right chloroplast. Mitochondrial chloroplast. Do organelles hote hain. Mitochondrial mein obviously nahi hota hai, but semi-autonomous ke form se bol rahi hu. They have different organelle for anchorage. Roots hongi kisi mein. Right? Reproduction ke liye, support ke liye, photosynthesis ke liye. And they usually reproduce sexually. All higher organisms, Neha ji, Niti ji, Jagriti ji, Krishna Veni, right? No, jitne bhi higher hai, wo kaise karenge sexually. No ne bahut acche se bata diya. Autotrophic, non-motile, eukaryotic, large, sab kuch bata diya. Is that clear? Background kitna acha hai, dekhi, slide is looking so nice. Well done, padhne mein maza aana chahiye. आ जाइए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. गारंटीड क्वेश्चन, राइट इट डाउन. गारंटीड क्वेश्चन, चलो एवरीबॉडी, गारंटीड एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से आएगा. गारंटी है वाणी मैम की. इज दैट क्लियर? 100% यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा. बहुत टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन से लेट अस सी. श्री गणेश, ऑल इन वन, रिया नागपाल. सबसे पहले क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. Who gave the artificial system of classification? It was given by the scientist jinka naam tha Carolus Linnaeus. Is that clear everybody? Definitely towards the end of the class 10 questions ka menti aa raha hai. 10 question ka menti. It is based on ambrosium and vegetative structures. Artificially dekhkar ambrosium kaise hai aur vegetative structures kaun se hai? Vegetative structures wo hote hain jo non-sexual hote hain. Can you name vegetative structures for me? Name down in the chat section. Come on, Aarti Patel, Ritu Jagriti, bataiye mujhe vegetative structure hoga leaf, vegetative structure hoga stem, vegetative structure hoga root. राइट, क्योंकि सेक्सुअल स्ट्रक्चर होगा फ्लावर. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवीपीवाई के बेसिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के बेस के लिए. सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एमसीक्यू कैरोलस लीनियस, स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रीशियम एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आर द वंस व्हिच आर यूजुअली लीफ, रूट, स्टेम. नेक्स्ट कम टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें मैं टू स्टार्स बना रही हूं, ये ज्यादा आता है. स्पेशली नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिनका नाम है Bentham and Hooker, George Bentham and Hooker. Very, very important. Our previous year questions this chapter ke open kar lijiye, like kar dijiye. Safa, you understanding? Sneha, Atmaram, Riya. It was based on natural affinities. Affinity means similarity. Kitne, is the leaf shape similar? Is the root type similar? Right? It is based on natural affinities. How similar are the plants to each other? Are you getting my point, everybody? Are you getting my point, everybody? Yes, everybody. Are you getting my point? Write it on the chat section. It was proposed by Bentham and Hooker. It was based on natural affinities. I'm revising everything. First time, first system was artificial classification, Carolus linear structure of the andrecium and vegetative structures, leaf, stem, root, vegetative structure. Second, Bentham and Hooker, very important, revise karte chalo. It was based on natural affinities amongst organisms. Two slides done. Aapke saath saath notes bante rehne chahiye. Phylogenetic. कहीं पर आपने आज के बाद फाइलोजेनेटिक वर्ड सुन लिया तो डन करके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, राइट यू ऑन द चैट सेक्शन. इट शुड बी आफ्टर डूरे, राइट यू ऑन द चैट सेक्शन. अभी आज के बाद कभी भी आपने ये वर्ड पढ़ लिया, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज
evolutionary relationship. How did they evolve? Bryo ke baad pterido aaya, matlab bryo ke end mein aur pterido ke beginning mein kya relation tha? Pterido ke baad gymno aaya, matlab pterido ke end mein aur gymno ke beginning mein kya relationship tha? Gymno ke baad angio aaya, matlab gymno ke end mein aur angio ke beginning mein what was the relationship which was there? So it is based on evolutionary relationship between the various organisms. This system of classification believes that organisms belong to the same taxa, have common ancestor. They do have common ancestor. Is that clear, Dia Lomate? Am I clear to everybody? So repeat after me, what are the three types of classifications I've taught you till now? Carolus Linnaeus, artificial system, Bentham and Hooker, natural system, and the phylogenetic relationship. Now let us come to taxonomy. पिछली क्लास में मैंने आपको टैक्सोनॉमी कराया है. रीनल यादव, चलो मुझे टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन बता दो बेटा, जल्दी बता दो रीनल यादव. टैक्सोनॉमी की आप मुझे डेफिनेशन बता दीजिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी? नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग. आप किसी चीज को नेम करोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे. अगर मैंने किसी चीज को नेम किया है तो पीयूष शर्मा एंड मुस्कान चैटर्जी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो आई नेम इट, I describe it, I classify it. If I say something, Zara Sheikh should be able to understand what Avani ma'am is saying. So I name it, I classify it, I describe it so that Shambhavi also can understand what I'm saying. Right, Shambhavi? So that is referred to as taxonomy. So in plant kingdom, there are various types of taxonomy. In your exam, sometimes tricky MCQs come from here, especially in KVPY and Olympiads. The tricky MCQ come from here. I want you on the chat section right now. Is that clear, Shiba, Abhinya Raj, Vaishnavi, Ria, Maimun Kazi, Muskan Gupta, Krishna Veni, Akriti? Done? So what are the various types of taxonomy? Sabse pehli hoti hai numerical taxonomy. न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? नंबर. आप कितने कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो? यू लुक एट मी, आई एम टॉल, आई हैव सिल्की स्ट्रेट हेयर, जस्ट किडिंग, राइट? आई एम टॉल, आई हैव कर्ली हेयर, आई हैव अ सर्टेन स्किन कलर, राइट? आई हैव अ सर्टेन बिल्ड, आई एम नॉट वेरी स्लिम बट आई एम नॉट वेरी हेल्दी, राइट? सो यू ऑल हैव अ सर्टेन बिल्ड, दैट इज द वन विच यू कैन ऑब्जर्व इन अ प्लांट. Similarly, you can observe. Some of us could be tall, some of us could be short, some of us could have a certain complexion, some of us could have a certain texture of hair. That doesn't mean one complexion or a texture of hair is good or bad, but these are the easily observable characters. You look at Lister Master Sachin Tendulkar, he has a certain height, he has a certain build. You look at Virat Kohli, he has a certain height, he has a certain build, he has a certain skin color. These are observable characters. Is that clear? You can easily observe them. You look at a banyan tree and you look at a coconut tree. Can you observe? A coconut tree won't give you shade, a coconut tree won't spread, but a banyan tree will spread. So they are observable characters. Are you getting my point, everybody? You can observe. In this, numbers and codes are assigned to all the characters. Achha, kisme prop root hai? Prop root coconut mein to nahi hai, banyan tree mein hai. लीफ कैसा है, विनेशन कैसी है, रूट्स कैसे हैं, स्टेम कैसे हैं, और फिर इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है यूजिंग कंप्यूटर्स. इन दिस ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर चोजन एट अ पर्टिकुलर टाइम. बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में डिफरेंस है, पीपल के पेड़ में और जामुन के पेड़ में डिफरेंस है, जामुन के पेड़ में और आम के पेड़ में डिफरेंस है, कोकोनट ट्री. सो यू गिव, यू हैव कैरेक्टर्स, you observe the characters, you give a number to the character, you feed information on the computer, and you have hundreds of characters at a time. Am I right, everybody? Done. I'm revising everything today. Saksham, Krishnaveni, are you understanding? Cytotaxonomy is based on cytological information. Cyto is cell. Cytological information such as chromosome number, chromosome structure and behavior. Cyto is cell. कितने chromosome है, chromosome का structure कैसा है, chromosome का number कैसा है, chromosome behave कैसे कर रहे हैं, is the cytological structure and behavior. Am I right? Am I right, everybody? Jagriti, Jaggu Dada, is it clear? मैं बताऊंगी which one is most commonly used. क्या आपको लग रहा है ये आजकल कॉमनली यूज होगा? आपको लग रहा है ये कॉमन होगा?
साइटोटॉक्सोनोमी, सेल देखेंगे क्रोमोसोम नंबर वगैरह नो, यस न्यूमेरिकल नो, इतना नहीं होगा. कीमो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल के अंदर कैसे केमिकल है. कितने बच्चों ने अरबी के पत्ते खाए हैं, तो ग्रीन कलर कोलोकेशिया लीव्स गले में चुभते हैं. गॉट ईट देम. व्हेन यू ईट जामुन ऑल्सो, sometimes if you drink water after eating jamun, it has a different taste in your throat. So there is chemical constituents of the cells. So when you assign the character certain numbers, that's numerical taxonomy. When you look at the chromosomes, question aisa aega, agar aapko chromosome ka number, structure aur behavior dekhna hai, kaun si taxonomy hai, cytotaxonomy. Agar aapko chemical constituents dekhna hai, kaun si taxonomy hai, chemotaxonomy. Sabse important kaun si hoti hai batao. सबसे इंपॉर्टेंट आजकल इन टुडेज डे एंड एज, वी लुक एट द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट. इज दैट क्लियर एवरीबडी. अब आ जाओ एल्गी पे. व्हाट इज दिस एनिमल, हु कैन, स्पेशल प्राइज फॉर द वन हु कैन डिफाइन दैट एनिमल. कौन सा एनिमल है, विच एनिमल इज इट? अमृत, दीपांशी, नो इट्स नॉट अ कोला, नो. श्रेया नंदी इज द फर्स्ट वन. इट्स अ स्लॉथ बेयर, फाउंड इन साउथ अमेरिका. Right? It is Amazon rainforest, but it is very slow. Sloth is an English word for anybody who's very lazy. Anybody who's very lazy, we call them a sloth. Person who's very lazy, sloth. They move very slowly. They cling to trees. They stay in one place. So because of sloth bear, algae grows on their fur. Algae grows on the fur of sloth bear. Isn't it interesting? राइट, सो दे आर सिंपल. एल्गी बहुत सिंपल होती है. एल्गी पेड़ पौधे की तरह नहीं होती है. एल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होती. एल्गी एंजियोस्पर्म नहीं है. एल्गी प्लांट्स में सबसे ज्यादा सिंपल है. थैलस वर्ड आया है थाली से. थाली कैसे होती है, ऐसे फैलती है, ऐसे फैलती है. थैलॉइड, इस डायरेक्शन में. इट इज थैलॉइड, ऑटोट्रोफिक, खुद खाना बनाने वाला ऑटोट्रोफिक. एंड मोस्टली ऑटोट्रोफिक समझ ले अपने आप. इट इज क्लोज टू वॉटर, क्योंकि एल्गी के पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता. एल्गी ऐसे फैलती है. ये नीचे पानी है. दिस इज वॉटर, दिस इज वॉटर. एल्गी कैसे ग्रो करती है, ऐसे. इट कैन नॉट ग्रो लाइक दिस, नो, बिकॉज इट हैज नो जाइलम जो पानी कंडक्ट करेगा. इट हैज नो फ्लोएम. तो एल्गी कैसे उगती है बेटा, एल्गी ऐसे उगती है कि ऐसे उगती है, बताओ. बारी मैम को बताओ कैसे उगेगी एल्गी. जननी, हितु, रीनल, कृष्ण, ऐसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल. तो एनीथिंग जो थाली की तरह हॉरिजॉन्टल ग्रो करे उसे हम कहते हैं थैलॉइड. क्या कहते हैं, थैलॉइड. क्या कहते हैं, थैलॉइड. याद रखना बेटा सचदेवा, याद रखना. दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, गीले पत्थरों पे, मॉइस्ट स्टोन, गीली मिट्टी पे, लकड़ी पे. राइट, फंगस के साथ सिंबायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी इज कॉल्ड लाइकन. व्हाट इज अ सिंबायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी विद फंगस कॉल्ड, हितु, निकिता, व्हाट इज अ सिंबायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगस एंड एल्गी कॉल्ड लाइकन. एंड इट कैन इवन ग्रो ऑन एनिमल्स लाइक द स्लॉथ बेयर. लाइकन, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, आर यू एंजॉयिंग द क्लास. I want one like on the screen. I want everybody to show your love back to me, Biotonic. So what are the simplest plants? Algae. What are the plants which don't have xylem and phloem? Algae. Which are the plants which grow horizontally like a thalloid? Algae. Which are the plants which have symbiotic relationship with fungus? Algae and lichens. What are the plants which grow on the fur of the sloth bear? Algae. What is cladogram? Cladogram is a map-like thing which is used to study evolutionary relationships in phylogenetics. I will do cladogram when I do evolution with you in class 12th. Is that clear? Now, algae can have variations in form and size. The simplest one is algae, but it can have a lot of variations in form and size. Kai ho sakti hai microscopic, ek single cell ki bani hui. माइक्रोस्कोपिक मतलब जो आपको दिखाई नहीं देगी, और एक सिंगल सेल की बनी हुई. माइक्रोस्कोपिक मींस यू कांट सी इट, यू हैव टू सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप. दैट इज व्हाई वी कॉल इट माइक्रोस्कोपिक. यूनिसेलुलर मतलब वन सेल. तो क्लेमाइडोमोनास जिसका क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप, इस शेप का कप शेप क्लोरोप्लास्ट, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. कई होंगे जो कॉलोनीज बनाएंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड. कई होंगे जो आपके लिए क्या बनाएंगे, कॉलोनीज, वॉल वॉक्स. कई होंगे जो ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए सिल्क की तरह, स्पायरोगायरा, पॉन सिल्क, यूनोथ्रिक्स, राइट. व्हाई वेरिएशंस अकर्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. Some of them went to the sea, some of them started on soil, some of them went to moist stones. That is why there were variations because of sexual reproduction, which also came. Sexual reproduction added variations. That is why you have variations. Is that clear, everybody? Jagriti, Muskan, understood? Is that clear? Hitu, dendrogram, cladogram is not a part of algae. I will do it in evolution beta. Is that clear, everybody? So you do have variations. You have microscopic unicellular algae, for example, Chlamydomonas. You have the ones which form colonies, for example, wallworks. And you have ones which are long filaments. The long filaments are called urothrics and spirogyra. Can you see colonies of wallworks? Spherical colonies of wallworks? Can you see long urothrics? Can you see this, the one which is like this? Spirogyra. And can you see a cup-shaped chloroplast? Can you all see the cup-shaped chloroplast of Chlamydomonas? Yes, ma'am. Hanji, ma'am. Hanji, ma'am. Hanji, ma'am. Reproduction. All modes of reproduction are present. Vegetative reproduction. Without sexual reproduction. Vegetative, asexual, sexual. Teen hote hai mode of reproduction. Teen mode. Aur teeno mode of reproduction algae karta hai. Vegetative karta hai, asexual karta hai aur sexual karta hai. Kamaljeet Kaur, samajh aa raha hai? कमल जी, आप किसको लेजी कह रहे हो, खुद को या मुझे कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा. कमलजीत कौर का वर्ड है लेजी. अब ये लेजी का मतलब क्या हुआ बेटा? यस, तो तीन मोड है रिप्रोडक्शन के. डन. वेजिटेटिव, मैं तो बस लेजी लग नहीं रही हूं. अगर मैं क्लास ऐसे लू रिप्रोडक्शन के ना तीन मोड है वेजिटेटिव, सेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है, लिख लो. आगे लिखते हैं. यस, ऐसे तो फिर तो यस एवरीबॉडी. अच्छा, स्लॉथ बेयर इज लेजी. सो यस, चले आगे. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ, ऐसे टीचर करे तो यार ऐसे करते हैं टीचर. Yes, अलग ही लेवल हो जाएगा ना. इसे अगर किसी टीचर को ऐसे असली वगैरह नींद आ रही है क्लास में, टीचर कैसे करेगा? टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, क्लास क्लास में रहते थे, आवाज ही आ रही होती थी, फिर भी पढ़ा रहे होते थे. यार गजब, ऑफलाइन क्लास है ना, ऑनलाइन में तो अलग ही मजे आ रहे होते. यस एवरीबॉडी, चलो आ जाओ. All modes of reproduction are there, vegetative, asexual and sexual. तीनों modes of reproduction है. Fragmentation क्या होता है? टुकड़े टुकड़े हो जाना. Vegetative reproduction है. MCQ का favorite question है. Favorite MCQ तीन या चार बार आ चुका है. Favorite MCQ लिख लो please. Very important, very favorite MCQ. Please इसको लिखो. Fragmentation. तो बेटा ये लंबी algae है. मान लो ये एक algae है. मान लो ये algae है. तो आप इसका क्या करोगे? टुकड़े टुकड़े. इसका सब कुछ निकाल दो. दैट इज फ्रेगमेंटेशन. टुकड़े टुकड़े हो जाना. फ्रेगमेंटेशन इज दैट क्लियर? फ्रेगमेंटेशन. तो ये थी एल्गी. फ्रेगमेंट वन, फ्रेगमेंट टू, फ्रेगमेंट थ्री. और तीनों क्या कर रहे हैं? ग्रो. फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पायरोगायरा मैंने आपको कराया, वेरी यूरोथ्रिक्स कराया, स्पायरोगायरा कराया. हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होकर एक थैलस. थैलस से हमेशा याद रखना थाली. थैलस से क्या याद रखना? थाली. स्पायरोगायरा यूरोथ्रिक्स क्या करेगा? स्पायरोगायरा यूरोथ्रिक्स फ्रेगमेंटेशन. ये किस टाइप का है? इट इज अ वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. सो कितने फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है? तीनों फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. थाली वर्ड याद रखिएगा, मैंने आपको थाली बताया है. डन एवरीबॉडी? दैट मींस इट्स ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल. इट डज. द लॉन्ग वन विल गो फ्रेगमेंट इनटू थ्री पार्ट्स, फ्रेगमेंट 1 2 3, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज फ्रेगमेंटेशन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? परफेक्ट. नंबर 2, एसेक्सुअल. What is the number 2? Asexual reproduction. Different types of spores. Different. What is the meaning of asexual reproduction? It means it has a single parent.
What is the meaning of asexual reproduction? Please write it down, single. What is the meaning of vegetative reproduction? It is from the vegetative parts. Agar kisi patte se reproduction ho rahi, I'm going to show you something super beautiful. Super beautiful. Yahan pe kisi ko koi flower nazar aa raha hai? Can anybody see a flower? No, ma'am. Par kya aapko yahan roots nazar aa rahi hai? Ye dekho roots. See, the roots are growing from here. It's one of my favorite plants, Monstera delicosa. Aapko roots nazar aa rahi hai? Ye dekhi. Aur dekhi, iske stem se ye dekhi roots andar bhi. Can you see? Right? फ्लावर तो है नहीं बट यहीं से रूट्स नजर आ रहे हैं. दैट मींस अगर मैंने इसको यहां से कट कर दिया और मिट्टी में डाल दिया तो इसके प्लांट्स आ जाएंगे. अगर मैंने इसको यहां से कट कर दिया और मिट्टी में डाल दिया, दैट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. मैंने आपको लीव्स और स्टेम क्या बोला था? मैंने आपको जाकू लीव्स और स्टेम क्या बोला था? इट हैज होल्स. सो मॉन्स्टेरा डेलिकोसा इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स. राइट एवरीबॉडी, वेल डन, वेरी वेल डन. तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई किसी के सेक्सुअल पार्ट से रिप्रोडक्शन कर रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और अगर कोई लीफ और स्टेम से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. समझ में आया? तो पहले वाले पार्ट में स्पायरोगायरा और यूरोथ्रिक्स के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होगी. द फर्स्ट लाइट विच वी डिड, स्पायरोगायरा के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होगी. इट इज अ सिंगल पेरेंट. सो कैन यू सी फ्लैजेला नाउ? एवरीबडी कैन यू सी फ्लैजेला? टू ऑफ देम. Can you all see what do the flagella helps in? Movement. Movement is a characteristic of animals. That is why the word zoo. Zoo sports, animal. Did you understand everybody? Most common type of asexual reproduction. Is that clear? They are motile. Parent cell is called zoosporangium. Nikle zoospores. Zoospores are motile. Why are they motile? Because they have flagella. They are able to move. And जहां पर भी जाएंगे वहां germinate कर जाएंगे. अब आ जाओ sexual reproduction की. Sexual reproduction में दो parents होंगे तो दो gamete होंगे तो दोनों gamete fuse करेंगे. Is it not? What is the name of the stylish plant? It is this only. It's Monstera delicosa. One of my favorite plants ever. Swiss cheese plant. I got like 2 or 3 plants. Now I have some 8 or 10 plants. I'm very good at propagation. मैंने propagate कर करके. How are the slides? The slides are lovely. No, this is Swiss cheese plant. It's one of my favorites. This is the leaf of heliconia. अगेन मारा माई फेवरेट प्लांट. जब मैं बहुत पहले एक बार नासिक में रहती थी तो मेरे पास हेलिकोनिया का प्लांट था. बाय द वे, आप लोगों की ज्योग्राफी की तो दाद देनी पड़ेगी गाइस. यार आप लोगों की ज्योग्राफी तो माशा अल्लाह. हेलिकोनिया में बहुत पहले एक बार नासिक में रहती थी तो आज. अच्छा एक सेकेंड यार, मेरे बच्चे तो मतलब ऐसे पूरे जासूस बच्चे हैं. ये क्या हुआ? आज मैंने इसके कम्युनिटी पेज में एक फोटो डाली थी और मैंने कहा यार ये वेस्ट इंडिया है, आप बस इसको गेस करो ये कहाँ है. और ये नासिक है, इसका कहते गंगापुर डैम. नासिक में एक डैम है और मैंने वहां की फोटो डाली थी और बच्चों ने महाराष्ट्र और नासिक भी गेस कर दिया 3rd-4th कमेंट में. मतलब मैं तो यार मैंने सिर्फ इतना डाला था, गेस द नेम ऑफ द प्लेस, इट इज इन वेस्ट इंडिया. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये मतलब जोधपुर राजस्थान वगैरह है. पर यहां आ जाओ, माइंड नासिक 100% श्योर. ब्यूटिफुल नासिक. नासिक भाई, मैंने कहा बच्चे की यार यस दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल. Thumbs up mountain. Yes, it is there. It's very close. Maharashtra, Nasik. You're like, oh my God. You're like, this is some full on jadugar bachche. Yes. So, heliconia bahut ugta hai. So, long back I have gone there. Main heliconia ka plant lai thi. Heliconia ka leaf aur Swiss cheese plant ka leaf. But slides ka background is very nice. And I thought, agar hum plant kingdom kar rahe hain, to hum specially plant kingdom wali slides karte hain. Yes. So, dobara revise karati hu. सबसे पहले आपको फ्रेगमेंटेशन कराया. फ्रेगमेंटेशन इज फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स. फ्रेगमेंटेशन इज फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स. सेकंड क्या कराया मैंने आपको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रॉम सिंगल पेरेंट. डन. एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेटा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, आप मुझे बताओ, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो दो पेरेंट्स हैं. अगर दो पेरेंट्स हैं, राइट, अगर दो पेरेंट्स हैं तो जब भी दो पेरेंट्स होंगे, कितनी प्यारी स्लाइड्स है ना, जब भी दो पेरेंट होंगे तो दो पेरेंट्स क्या बनाएंगे बेटा? दो पेरेंट्स क्या बनाएंगे? गैमेट. तो आपके पास कितनी गैमेट हो जाएंगे? दो पेरेंट्स हैं तो आपके पास दो गैमेट्स होंगे, एक मेल एक फीमेल. इज दैट क्लियर? अब ये जो दो गैमेट है इनमें तीन कंडीशन हो सकती है.
This is very important. Sneha Jha, Shreya Nandi, very important. Pay attention. Both the gametes are similar. They are similar. You can't make out whether it is male or female. They are very much similar to each other. This is called as isogamy. Just like isosceles triangle in which two sides are equal. You used to do this isosceles triangle in your 9-10th. It can happen that the egg is large and the male is small and motile. This is called as oogamy. 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 Are you getting? Thanks, Ayush. Right? So this is isogamy, and when both of them are the same type but different in their structure, that is referred to as anisogamy. Dissimilar in size. Oogamy. Dissimilar in size. But one is large. Egg is large. Other is small like this. Dissimilar only in size. And both are similar. Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? Is that clear? सबसे पहले आ जाओ आइसोगैमी में. जब dissimilar gamete है, इसमें तो oogamy में तो egg बड़ा है. They are dissimilar. They can be dissimilar. But here specifically egg is big and the sperm is small. That is referred to as oogamy. Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? Everybody, everybody, everybody. Is that clear? So let me redo it once with you. I will draw a diagram. I want to do this. What is isogamy? This is isogamy. Iso. What is anisogamy? Anisogamy. Is that clear? Or what is oogamy? Only this is motile. This is immotile. This is motile. This is similar. This is dissimilar. And this is immotile and motile. Am I clear to everybody? Aniso is also called as hetero. Alag alag hai. Alag size ke hai. Size alag hai, par dono mein sperm hai. Immotile and motile. Am I clear? Sab bachcho ko confusion hota hai, Biotonians ko nahi hoga. Everybody is confused, Biotonians ko nahi hoga. Gotcha, everybody? Same. Different size, dissimilar. That is a hetero. One is immotile, the other is motile. This is immotile. One is immotile, the other is motile. That is the difference between anisogamy and oogamy. There is no, it is not there. It is not there. Did you understand? Distilled water clear, everybody? So, yaar, likes kyun nahi bana rahe? Fir hearts banao, chalo. Done. Gotcha, everybody. Oogamy, anisogamy, heterogamy. Perfecto, giletto, villetto. Ho gaya PGV? Perfect PGV kar do fir chalo. चलो पीजीवी लिखो चैट सेक्शन पे. हो जाए पीजीवी परफेक्टो जिलेटो विलेटो. बायोटॉनिक की क्लास में आए तो पीजीवी तो करना ही पड़ेगा यार. पक्का डन ओपी चले आगे. डन बना डन. चलो आइसोगैमी हूं आइसोगैमी. इसका भी क्लेमाइडोनास क्लेमाइडोनास उसका स्पाइरोवायर क्लेमाइडोनास. दोनों के एग्जाम्पल है. याद रखना हमेशा एग्जामिनर घुमा देता है आपको पकड़ के. अब आ जाए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. अबाउट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय एल्गी. क्वेश्चन एग्जामिनर फिर घुमाएगा. हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन लैंड और वाटर. लैंड और वाटर ज्यादा वाटर. डन. पीजीवी इज परफेक्टो जिलेटो विलेटो सक्षम. डन. लैंड और वाटर. वाटर उज्ज्वल. वेल डन. सबमरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस एल्जीन कैरोजीन. ब्राउन एल्गी से एल्जिन. रेड एल्गी से कैरोजीन. दीज कोलॉइड्स आर यूज्ड कॉमर्शियली. एल्जिनेट्स बनते हैं वाटर में होता है. देयर आर सर्टन कंपाउंड्स हाइड्रोकोलॉइड्स दे आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज. अगार इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज. एल्जिन इज यूज्ड. कैरोजीन इज यूज्ड.
अगार इज वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स. अगार जो है आपने, अच्छा कितने बच्चे वो मेले में गए, आज तो जन्माष्टमी भी है, मेला लगता है, उसमें वो छोटे छोटे बॉल्स आते थे बचपन में, उनको हम पानी में डालते थे फिर वो फूल जाते थे, कितने लोग लेकर आते थे बताओ, ऐसे ऐसे होते थे, फिर हम इनको आके पानी में डालते थे, फिर वो मोटे हो जाते थे, फिर हम वो लकी बैम्बू वाले में डाल देते थे, फिर लकी बैम्बू इसके ऊपर उगा देते थे, कितने बच्चों को याद है, मी 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 मी. Yes, Aubrey's, you call them Aubrey's, I don't know what you call them, magic balls or something like that. Agar, agar, classical, simplest form of agar. Ice creams, jellies, you get it from Geladium, Gracilaria, red algae. I will come to red, brown, green, I will come to all types of algae. Do you remember this? Done? It is also obtained from Geladium, Gracilaria, some unicellular algae like chlorella, spirulina. Very important, single cell protein, बहुत important point है, मैं दोबारा repeat कर रही हूँ सारा. Algae दे रही है आपको algin और carrageen, लिख लिया है, highly important लिख लिया मेरे बच्चों ने. Shuchi, Sneha, Ujwal, have you written it down? It used to be yes, लिख लिया, done, पक्का. Maimuna, Sneha, Jagu, well done. Next, agar microbes उसमें उगते हैं, ice cream में डलता है, jellies में डलता है, gracilaria और geladium. कहाँ से आता है agar? Gracilaria और geladium. Unicellular algae, single cell protein, astronauts को देते हैं. Astronauts के साथ आप बहुत सारा chicken, mutton, beef pack नहीं कर सकते, spaceships में इतनी जगह नहीं होती. You give them single cell protein, one single capsule will have so much protein. It is referred to as a single cell protein, chlorella, spirulina. Very important, they use as food supplements. Now let us come to the classification of algae. I've seen this algae, it's beautiful. I will also share photographs of this algae in the community page in the evening. सबसे पहले होती है एल्गी जो ग्रीन कलर के, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फियो का मतलब होता है ब्राउन, रोडो का मतलब होता है रेड, रोडो रेड, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, एक ही याद रखना मुश्किल है, फियो फियो डन. इसके सबसे पहले एग्जांपल्स याद रखिए, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन कलर की होगी, वॉलवॉक्स ग्रीन कलर की होगी, यूलॉक्ट्रिक्स ग्रीन है, स्पायरोवेरा ग्रीन है, चारा ग्रीन है. प्लीज इसे बाय हार्ट कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स याद रखना, आत्मराम चिता, सक्षम गुप्ता, जागृति, पलक, ऋतु, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग पीयूष, आर यू अंडरस्टैंडिंग दीपांश, डन. ब्राउन एल्गी बहुत बड़ी होती है, यूजुअली ये ह्यूज होती है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस. जनरली ब्राउन एल्गी से आयोडीन मिलता है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट. रेड कलर की जो एल्गी होती है उसका एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम, इंपॉर्टेंट. सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने यहां लिखे हैं आप सबको याद होने चाहिए. Is that clear everybody? Sachin, is that clear? Sachin, book जैसे ही आएगी मैं आपको book का नाम बता दूंगी, आप बिल्कुल भी tension मत लीजिए. Is that clear? याद हो गया मेरे बच्चों को? Chlorophyce याद हो गया, right? Phaeophyce याद हो गया और Rhodophyce याद हो गया, बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं, सबसे पहले आते हैं Chlorophyce पे, green algae पे, फिर आएंगे हम Phaeophyce brown algae पे, और लास्ट में हम जाएंगे Rhodophyce red algae पे. नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम क्लास खत्म करके एमसीक्यूज पे आने वाले हैं, डोंट गो एनीवेयर, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. सबसे पहले आ जाइए Chlorophyce पे, बिल्कुल मत भूलिए, कितनी सारी चीजें आपको आज बताई हैं, रिवाइज करी हैं, याद कीजिए. Chlorophyce आपकी ग्रीन एल्गी होती है, या तो वो एक सेल की होगी यूनिसेलुलर, या तो वो कॉलोनी बनाएगी कॉलोनियल, या वो फिलामेंटस होगी. इसके पास जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और बी होगा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है, सिंपल पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी. क्लोरोप्लास्ट जो होगा इसका वो या तो डिस्क शेप होगा, डिस्क या प्लेट की तरह होगा. रेटिकुलेट का मतलब कोई समझता है? जाली नुमा क्लोरोप्लास्ट, या कप शेप होगा, या क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल होगा, या रिबन शेप होगा. जहां पे ये फोटोसिंथेसिस करके खाना स्टोर करते हैं
जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और खाना स्टोर करेंगे, हम खाना कहाँ स्टोर करते हैं, जहां पे ये फोटोसिंथेसिस करके खाना स्टोर करेंगे, दैट इज रेफर्ड टू एज स्टाइनोइड्स. दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इज दैट क्लियर? सो दे हैव प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, दे आर गोइंग टू स्टोर द फूड. लेट मी रिपीट इट. दे कैन बी वन सेल, दे कैन फॉर्म अ कॉलोनीज, दे कैन बी फिलामेंटस, पिगमेंट इज ए और बी. The chloroplast can be disc-shaped, can be plate-shaped, can be like a jali called reticulate, can be cup-shaped, can be spiral or ribbon-shaped. Pyrenoids are the storage bodies which are located in chloroplast, contain proteins besides starch. Am I right, everybody? Chlorophytes. Is that clear? इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बहुत रिजिड. रिजिड का मतलब क्या होता है, दिख रहा है आपको कप शेप, सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम, कप शेप देखो, सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम गाइस. हैट्स ऑफ टू उषा मैम फॉर मेकिंग दी स्लाइड्स टुडे. सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम देखो, सच अ ब्यूटिफुल स्लाइड, मतलब देख के आदमी को फील आ जाए. पाइरेनॉइड जो स्टार्च सेव करेंगे, न्यूक्लियस, फर्स्ट स्लाइड याद कीजिए, फर्स्ट स्लाइड, आई स्पॉट फॉर फोटोसिंथेसिस, पता करेगा कितनी दूर सनलाइट और कितना पास सनलाइट है, हाउ क्लोज एंड हाउ फार. यस व्हाई पीयूष बेटा, अंडरस्टूड जागू? इनकी सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, सेलुलोस होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और पेक्टोस, सेलुलोस और पेक्टोस. कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? फ्रैगमेंटेशन और स्पोर्स. ठीक है, अगर ज़ूस्पोरांजिया बनाएंगे तो इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक्स कराए. और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी और रूगैमी, दैट इज मैंने आपको पहले थियरी कराई. नेक्स्ट लेवल अमेजिंग स्लाइड्स. आइसोगैमी एंड आइसोगैमी रूगैमी आपको पता है, ज़ूस्पोर्स आपको पता है, फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन करेंगे, सेलुलोज और पेक्टिन. दैट इज व्हाई आई डिड द थ्योरी फर्स्ट एंड देन केम टू द एल्गी, सो दैट व्हेन यू रीड दिस यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड. गॉटचा? व्हाट अमेजिंग स्लाइड्स यार, व्हाट अमेजिंग स्लाइड्स. किसी को लग रहा है प्लांट किंगडम मुश्किल वाणी मैम के साथ, बायोटॉनिक के साथ, प्लांट किंगडम इज वेरी डिफिकल्ट मैम, प्लांट किंगडम में कुछ समझ में नहीं आता मैम, इट इज वेरी बोरिंग. लुक एट दिस पाइरेनॉइड्स, जो फोटोसिंथेसिस का फूड स्टोर करेंगे. आई स्पॉट इट विल सी हाउ फार इज द सन, अकॉर्डिंगली इट विल फ्लोट अप और डाउन. यस, गॉट इट? इट्स सो सिंपल, इट्स सो इंटरेस्टिंग. लुक एट द टू फ्लैजेला, टू फ्लैजेला कप शेप. आई स्पॉट न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पाइरेनॉइड. ब्राउन एल्गी इज ह्यूज, बहुत बड़ी होती है ब्राउन एल्गी. इस ये इतनी बड़ी होती है जो शिप्स के इंजन्स होते हैं उसको रोक देती है. सो अगर ब्राउन एल्गी है समुद्र में, इट कैन इवन स्टॉप अ शिप. मरीन मतलब इट इज फाउंड इन सॉल्ट वाटर, इट इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर. सी, वहां पे पिगमेंट, यहां पे क्लोरोफिल ए सी अलॉन्ग विद दैट कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल बिकॉज इट नीड्स टू बी ब्राउन. क्या वहां पे मैंने कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल लिखा था? नो मैम. कम ऑन गाइस, मेक सम हार्ट्स, आई वांट 500 लाइक्स राइट नाउ. रिजर्व फूड मटेरियल पाइरेनॉइड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यहां है लैमिनेटेड और मैनिटोल, वेरी रेज टू पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ रिजर्व फूड? लैमिनेरिन. व्हाट इज अ रिजर्व फूड? मैनिटोल. लैमिनेरिन में क्या होगा? आयोडीन. They have a central nucleus, they have plastids, they have vacuole, cellulosic wall. वहां पे cellulose और pectin, यहां पे cellulose और algin. See? Thanks Bharat Patel. Did you understand? दोबारा बताओ. Marine, xanthophyll, laminarin और mannitol, cellulosic wall, algin. Write a you on the chat section. Write a you on the chat section. Dipanshi, Sujal, Krishnaveni, Rubina, write a you on the chat section right now. Please write a you on the chat section right now. OP, done.
अगला सवाल, प्लांट बॉडी इज अटैच टू सबस्ट्रेटम, यहाँ पे रूट नहीं है तो प्लांट बॉडी को नीचे अटैच करने के लिए रूट की तरह कौन है? होल्ड फास्ट, मिट्टी में कैसे अटैच होगा? हाउ विल इट अटैच टू द बेस ऑफ द ओशन? होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, रूट का काम कौन करेगा? होल्ड फास्ट। स्टेम, डंडी को क्या कहेंगे? डंडी को स्टाइप, स्टाइप। एंड ये क्या है? पत्ते, पत्तों को क्या कहेंगे? ब्लेड्स और फ्रॉन्स। तीन चीजें पढ़ा दी मैंने अलग अलग, आयुषी, आदित्य, देश पांडे, पे अटेंशन, राइट? श्रेया नंदी, वंशिका 2022, होल्ड फास्ट, स्टाइप, ब्लैडर विल बी फुल ऑफ एयर सो दैट दे कैन फ्लोट, फ्रॉन्स एंड ब्लेड्स। डिड यू अंडरस्टैंड जागृति, सुचि, कृष्णा मेनी, नू, दीपांश, सन, शतनाथ? डिड यू अंडरस्टैंड? वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, ए सेक्शुअल बाय स्पोर्स, वो भी बाय फ्लैजुलेट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी एंड आइसोगैमी हो गया। ये तो ये हो गया। होल्ड फास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम को क्या कहेंगे? स्टाइप। पत्तों को क्या कहेंगे? फ्रॉन्स। हवा वाले पार्ट को क्या कहेंगे? आ गया रोडोफाइसी, समुद्र में पाए जाते हैं। आई बी टू साउथ अफ्रीका, जो मैंने सबसे पहले रोडोफाइसी देखे थे। क्लोरोफिल ए बी, फाइको एरिथ्रिन, रेड कलर है तो फाइको एरिथ्रिन, इरिथ्रोस, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर रिजर्व फूड लैमिनेरिन, उसके अंदर रिजर्व फूड, उसके अंदर फर्स्ट वाली के अंदर रिजर्व फूड बताओ। फर्स्ट वाली में रिजर्व फूड पाइरिनोइड, सेकेंड वाले में लैमिनेरिन, थर्ड वाले में फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। डिफरेंस पता चल गया? रॉयल डॉक्टर जी ओपी हो रहा है। यस, पाइरिनोइड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय स्पोर्स, सेक्सुअल बाय, कोई दिख रहा है? एनाइसोगैमी लिखा है, एनाइसोगैमी, आइसोगैमी, नो, ओनली ओगैमी, ओनली ओगैमी। इज दैट क्लियर? यस जेनेट, आई विल डू दैट जेनेट, I will do that, Janet. Are you all understanding? Everybody, are you understanding? It will be oogamy, it will be phycoerythrin is a pigment, it will have floridian starch. Did you all understand what I'm trying to tell you in today's class? Write a heart, make a heart, write a you on the chat section. This is a summary. Green algae, chlorophycee. Brown algae, pheophycee. Red algae, rhodophycee. Pigments A and B, fucoxanthin in brown, phycoerythrin in red, very, very important. Laminarin, starch in pyrenoids, floridian starch, I explained everything, nothing will come from outside this. Cellulose, algin and cellulose. Flagella, 2-8, 2, no flagella. Right? Usually fresh water, brackish water, salt water also. Fresh water is rare. It will basically be marine salt water. Chlorophyce is also found in fresh water. Understood? Perfecto. Everybody, PGV on the slide. PGV on the slide. We started from the beginning, guys. Kahan se shuru kiya aaj ka class? PGV on the slides, please. And remember, KVPY crash course starting on 16th August. Most importantly, 6th September, one of the last batches of 11 starting. Last batches of 11 starting. Don't miss this batch, guys. I'm going to personally take lectures in this batch. You will get my lectures, my mentorship. Don't miss it. Don't miss 11th physics and chemistry. We have restarted bio, physics and chemistry. Ball is in your court. Done? This is the price. And yaar, just join those thousands of live micro courses. Do everything in 1 month. You can study as much as 6 months. They're all free. Get all of these courses. Get your certifications done, everything for free, and padho, padho, padho. So remember the name of the scientist, remember the classifications, remember taxonomy, numerical, cytotoxin, chemotaxonomy, what are the characters of algae. Pehle I did the characters. Then I came to the classification. I did sexual asexual reproduction of algae. I did the different types of gametes. I did the economic importance, agar, algin. I did the three types. I explained them. And we finally ended it with the chart of NCRT. Write a you on the chat section. And now listen to me for just 1 minute. Last batch of NEET Pro subscription of class 11. PCB, you study in English and Hindi separate batches. KVPY is
free with. Crash course is free. NEET is NEET crash course. CBSE term 1 plus term 2 is free with this. Unlimited chapter wise micro courses. Ek ek chapter ke do 10 times micro courses for free. I'm coming to mentee, my dear children. Are you getting my point? 20 hours plus Vani ma'am's classes plus 14 books are home delivered, and every book has a QR code. Scan karo aur padho. 20 tests har class ke baad, assignments after every class, personalized attention of class teachers for doubts in the class, after the class unlimited doubt solving, photo khincho, doubt solve, just send a photo of the doubt. Remember my code VD Pro. If you want to come and you want to study from me, you want to study from other teachers, it's fine, but if you want my mentorship, you want to study from me, remember my code. And look at the price. It's not some lakhs of rupees. No, just give what I'm telling you, 5 rupees an hour. But don't miss it, guys. Code yaad rakhiye VD Pro. Before going, I will just show you how do you do this in case you want to do it. Because so many times I receive every day, ma'am, my physics is going weak, ma'am, my chemistry is going weak. So you can definitely join it for 1 month and get benefited for six months by doing the micro courses also. Ek mahine mein aap 6 mahine jitna pad sakte ho. Right? So yahan par aapka pro membership hoga. Subscribe to pro course. Immediately lecture ke niche. ग्रेड 11th का आपको प्रो लेना है, जिसमें लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, असाइनमेंट्स है, डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल मेंटर है. डोंट बाय दिस. नहीं, आप एक महीने का ट्राई करो. एक महीने में आपको 100 माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे. तो जितना आप रेगुलर 5-6 महीने की फीस देके पढ़ोगे, यू कैन स्टडी 1 month विद नोट्स, विद हैंडमेड नोट्स ऑफ द टीचर. तो आप कोड लगाओ वीडी प्रो, योर अमाउंट पेबल विल जस्ट बी 2700 रुपीज. दैट्स इट. Done. My book is coming out soon. It's going to be an MCQ book. That's all. VD Pro is the code. And I will show you how the classes are. Like this, you will have so many micro courses. So many 11, 12 ke aap courses. Dekhe, itne saare. Dekhe, bacche is level pe aate hain. Phir unko leke jaate 650, 657, 670, 680 ka score dikhaungi aapko main. These are my classes ke replays. All of them are my classes. See, आप आइए एक एक क्लास में, आप देखिए कितने कितने मैं क्विजेस करवाती हूँ, भी एक्सप्लेन थ्योरी. बच्चे मेरी क्लास में अनम्यूट होते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं. आई एक्सप्लेन थिंग सेल्स है, डिवीजन करवा रही थी, वो जो आपको फ्लेजुला 9+2, 9+0 11th की क्लास चल रही थी, डाउट्स होते हैं. ये देखिए, राइट, यू आर एबल टू आस्क योर डाउट्स, यू आर एबल टू आस्क व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. वी टॉक, वी इंटरैक्ट, कंप्लीट टू वे इंटरैक्टिव. आपके टेस्ट ऐसे शेयर होंगे. Just come and study. This is how your curriculum will be made. So please make sure that you are studying with us. Or code kahan lagana hai, maine aapko bata diya VD Pro lecture ke niche. Now, mentee pe aane se pehle, ek important information. Can I take a surprise test for you? Aaj ka mentee ko main aapko karwa dungi. Ruko, ruko, meri baat aise mentee karte ho. Dar, to abhi tak humne plant kingdom mein jitna bhi padha hai, ek chapter hua hai aur wo dono. Yes, ये रहा mentee, but I don't want to do mentee right now. It's a slightly challenging mentee. तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपके इसमें 20 questions और add करके I will do mentee. आज बहुत detail में पढ़ाया गया है, मेरा 5 को एक और class है और मेरा time up हो चुका है. mentee में करवाना चाहती हूँ, 5 को one more class is there. चलो 5 मिनट का mentee कर लेते हैं. चलो 5 questions कराते हैं. Done, आ जाओ. तुम इतने sweetly, innocently बोल रहे हो, 5 मिनट का mentee करा देती हूँ. चलो 7203-4523. Five, four, three, two,
स्टार्ट. Classification of algae. अरे वाह, पिगमेंट भी, सेल वॉल भी. मैंने किसी में पेक्टोस बोला है, किसी में एल्जिन बोला है. नेचर ऑफ रिजर्व फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोटाइल कॉलोनी. कॉलोनी, कोलोनियल, 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 वॉलवॉक्स, कोलोनियल. अरे मेरे चुनू मुनू गैंगस्टर्स, मैंने दिखाया भी था. चलो रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ. रॉन्ग स्टेटमेंट. कैसे, क्यों? कोई स्फेरिकल नहीं है, कोलोनियल नहीं है, फिलामेंटस थोड़ी ना, स्पाइरोवेरा है, यूलोथ्रिक्स है, बाकी थोड़ी ना है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन गाइस. 5:05 को मेरी क्लास है. आई विल हैव टू लीव जल्दी. अरे इजी इजी लेमन स्क्वीजी. चुनू मुनू गैंगस्टर्स इसको देखना कैसे क्वैश कर देंगे. स्टार्च, स्टार्च. इन आपको प्रोटीन्स इज अ कवरिंग, दे हैव अ सेंटर ऑफ स्टार्च. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन द नेक्स्ट क्लास. डन. ओ जांगू, लेट्स सी. थैंक्स बालाजी. फाइको, फाइको, नॉट माइको, फाइको. अरे वाह, एल्गी, फाइकोलॉजी, माइको, माइको बैक्टीरियोलॉजी, राइट. माइको इज फंगस. आई एम गोना स्टॉप हियर. आई एम सॉरी, आई विल टेक योर लीव. 5:05, आई हैव वन मोर क्लास. मैंने 5 के बाद लीडर बोर्ड रखा था, मुझे लग नहीं रहा था मैं कितना कवर करूंगी. डोरोथी, फैनी, यश, कृषि, वैदेही, यामिनी, सुची, मानवी, क्रॉक्स, सुयश. यू हैव टू डू वन थिंग फॉर योर वाणी मैम टुडे. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द क्लास. टीचर्स ऑल्सो नीड योर लव बैक. आई ऑल्सो नीड माई लेवल ऑफ ग्लूकोज, माई एनर्जी बैक. Yes, everybody, you need to tell me on the comment section. Everybody's a topper here. Well done. You have to tell me in the comment section, how was the class? Leave a lovely comment behind. Tell me, aaj ki class kaisi lagi? How were the slides?
थैंक यू उषा मैम, लिखिए बताइए कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी थी। मिलते हैं कल, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज गो गेट द प्रो मेंबरशिप इससे पहले कि 6 सितंबर का बैच फुल हो जाए। वीडी प्रो कोड है अगर मेरी क्लासेस में आना है। टेक केयर, फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल मत छोड़िए। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक राइट नाउ, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिहाइंड टेलिंग मी हाउ द क्लास वाज। बाय।